प्यारे बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, सिक्स लेक्चर ऑलरेडी इस पे कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 7 इस पे पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 7 लास्ट लेक्चर होगा। आज फ्लूइड मैकेनिक्स जो है पूरा फिनिश हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोडायनेमिक्स उन्होंने पढ़ा था, बर्नौलीज प्रिंसिपल, उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हाइड्रोस्टैटिक्स में भी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था, बायंसी फोर्स, स्टोक्स थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब फिनिश हुए थे। इफ्लक्स वेलोसिटी हमने बताया था। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखा हो तो वाटर कॉलम का क्या प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम इन ए कंटेनर एट बॉटम, बॉटम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, जिसका फॉर्मूला बेटा रो जी एच या एच डी जी भी कह सकते हो। रो जी एच फॉर्मूला होता है, जितना ही ज्यादा हाइट लिक्विड कॉलम का होता है बॉटम पे, उतना ही ज्यादा वो प्रेशर क्या करता है बेटा, एग्जर्ट करता है। तो आप बेटा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम एट बॉटम बॉटम ऑफ कंटेनर। जो बेटा प्रेशर होता है, प्रेशर ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर इट इज आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक होता है। किसी पॉइंट पर कोई लिक्विड उसके चारों तरफ इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है, इक्वल प्रेशर प्रोड्यूस करता है। जैसे एक कंटेनर है, इसमें बेटा ये लिक्विड है, जो क्या बेटा लिक्विड, यहां पे कोई पॉइंट है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यहां अगर कोई पॉइंट है तो ये जो पॉइंट होगा लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल, ये चारों तरफ, अपने चारों तरफ इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेगा, और ये फोर्स होगा कितना देख लो, प्रेशर इनटू एरिया। हर तरफ प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा, तो चारों तरफ एक बराबर ये फोर्स क्रिएट करेगा। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर के कारण कहीं भी एक पर यूनिट एरिया पर देखो तो एक फोर्स लगता है प्रेशर के कारण। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा या फोर्स के कारण प्रेशर क्रिएट होगा। यही रीजन है कि अगर किसी भी लिक्विड में कंटेनर, किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड रखा हो तो उसका जो लिक्विड कॉलम के जो हाइट होता है उसके कारण देखो, यहाँ पे अलग प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ अलग प्रेशर होगा, बॉटम पे अलग प्रेशर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम चलें तो प्रेशर क्या होता है बेटा, चेंज होने लगता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे देखें तो चारों तरफ प्रेशर क्या होगा, वहां पर बराबर होगा। इसलिए नेक्स्ट जो हेडिंग होगा ये होगा बेटा वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू वर्टिकली डेप्थ फॉर लिक्विड कॉलम। देख रहे हो,
लिक्विड कॉलम में डेप्थ के कारण जो प्रेशर में वेरिएशन होता है वो क्या होगा। अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखा है तो उसके जो टॉपमोस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम लोग बॉटम की तरफ जाते हैं लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। सबसे ज्यादा प्रेशर बॉटम पर होता है। इसके लिए अगर हम एक डायग्राम यहां बना लें, यह कंटेनर है, वेजल है, दैट इज कंटेनर वेजल, ये इसका है बेटा बॉटम, देख रहे हो ये बॉटम हो गया, और इसमें ये लिक्विड है, लिक्विड बना दिया, इसमें लिक्विड की डेंसिटी होगा बेटा रो, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हो गया लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी इसको रो मान लेते हैं। यहां जो प्रेशर होगा पी नॉट होगा। अगर हम लोग चाहते हैं बॉटम से एच डेप्थ पर, देखो बॉटम से एच डेप्थ पर प्रेशर फाइंड करना, ठीक है बेटा, यहां एच डेप्थ पर यहां पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। हम क्या करेंगे, यहां पर एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर बेटा बना लेंगे, देखो हाइपोथेटिकल सिलेंडर का एजम्पशन कर लेंगे। तो यहां देखो जो एरिया मान लो ए है, तो यहां का भी एरिया क्या होगा, ए होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो इधर से जो बेटा फोर्स लगेगा, देखो प्रेशर यहां का कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो इधर से इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो ये जो फोर्स होगा इसको कहेंगे एफ वन इज इक्वल टू पी नॉट इनटू यहां का एरिया कितना है ए, प्रेशर के कारण ये फोर्स हो गया पी नॉट ए, और यहां प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, यहां का जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा, और ये फोर्स हो जाएगा बेटा एफ टू, और एफ टू इज इक्वल टू, और यहां का प्रेशर मान लो पी है, यही पी हम लोग को फाइंड करना है, तो ये फोर्स हो जाएगा पी इंटू ए, तो यहाँ का प्रेशर बेटा पी नॉट है, यहाँ का प्रेशर हम लोग को पी क्या करना है फाइंड करना है, तो यहाँ पे एरिया ए है, यहाँ भी एरिया ए है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है पी नॉट ए लग रहा है, यहाँ का जो फोर्स लग रहा है पी इंटू ए लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है एच है। अब तुम देख रहे हो कि ये जो हमने हाइपोथेटिकल एक सिलेंडर का इसमें जो एजम्पशन किया है, तो इसमें जितना लिक्विड है उसका एक वेट भी तो नीचे लगेगा बेटा, देखो एक वेट यहाँ नीचे लग रहा है, इसलिए अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल लें, इस पूरे को हम लोग बाहर निकाल लें, जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर है यहां पर देख लो, ये एरिया यहां ए है, यहां एरिया ए है, यहां प्रेशर पी नॉट है, यहां प्रेशर पी है, जो प्रेशर फाइंड करना है यह एच। अच्छा ये लिक्विड कैसा है बताओ बेटा, स्टैटिक लिक्विड है, स्टैटिक लिक्विड यानी ये किस में है बेटा, रेस्ट में है, ये स्टैटिक लिक्विड रेस्ट में है, तो इधर से जो फोर्स लग रहा है F1 is equal to P not A, इधर से जो फोर्स लग रहा है F2 is equal to P into A, इसका वेट कैसा लग रहा है बेटा mg डाउनवर्ड, और ये है किस में, रेस्ट में, जब रेस्ट में है तो सारे फोर्स को बैलेंस करा दो, डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर कर दो, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है F1 अब प्लस डाउनवर्ड फोर्स क्या है बेटा mg बराबर क्या कर दो बेटा F2, क्योंकि रेस्ट में है ना बेटा, तो रेस्ट में है तो सारे फोर्स तो बैलेंस होंगे ना, तो बैलेंस होंगे तो डाउनवर्ड फोर्स में है F1 प्लस mg बराबर क्या हो जाएगा F2, अब F1 को क्या लिखेंगे P नॉट A प्लस यहां से बेटा आ गया mg इज इक्वल टू F2 को कहेंगे P इंटू A, तो P नॉट को इधर लेते आओ, तो ऐसे में ये आ गया P इंटू A माइनस P नॉट इंटू A इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा mg, इसमें A कॉमन हो गया, तो आ गया P माइनस P नॉट, और मास जो होगा वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम कितने का भाई, इतने का ही तो वॉल्यूम हमको लेना है, जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर का एजम्पशन हमने किया इतने का वॉल्यूम लेना है, तो जो वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इसका लेंथ हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए इनटू लेंथ हो गया एच, तो यहां से आ गया ए
पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम के स्थान पे क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट एच इंटू रो इंटू जी। तो यहां से देखें तो एरिया से एरिया कट गया, तो यहां से आ गया पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, ये आ गया रो जी एच। तो यहां से आ गया बेटा प्रेशर पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। एक खास बात तुम देख लो बेटा, मतलब एक खास बात क्या दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड कॉलम का ये प्रेशर है, देखो रो जी एच इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। तो टोटल प्रेशर अगर देखना है यहां पर, देखो यहां पर तो टोटल प्रेशर लगेगा क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगता है, इसलिए यहां का जो टोटल प्रेशर आया वो पी नॉट में लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होकर के सम होकर के आया। तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर बेटा रो जी एच होता है, और टोटल प्रेशर देखना है यहां पर तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, तो पी नॉट प्लस रो जी एच यहां का बेटा टोटल प्रेशर आ जाता है। तो इससे यह समझ में आ गया कि लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी एच होता है। तो जो प्रेशर का डिफरेंस आ गया डेल्टा पी, वो आ गया बेटा पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। ये आ गया प्रेशर डिफरेंस, देख रहे हो इसको बेटा प्रेशर डिफरेंस कहेंगे। एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम एट डेप्थ एच ये होता है रो जी एच। ठीक, किसी भी लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच होता है, या इसको कहीं कहीं एच डी जी भी लिखा जाता है, बात वही हुआ बस डेंसिटी को यहां डी लिख दिया तो एच डी जी हो गया। आगे समझ में, तो जितना ही ज्यादा डेप्थ पर हम लोग प्रेशर देखेंगे प्रेशर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और बात करते हैं स्पेशल केस की, फर्स्ट अब जैसे मान लो यह है बेटा कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक, ये बेटा लिक्विड जिसकी डेंसिटी कितनी है रो, हम लोग ये देख रहे हैं कि यहां का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी नॉट होगा प्रेशर, और एच डेप्थ पर प्रेशर हम लोग को यहां देखना है, यहां का प्रेशर पी देखना है, और ये क्या है एच, तो यहां का जो प्रेशर होगा बेटा पी, ये पी, तो पी इज इक्वल टू होगा बेटा पी नॉट यहां का प्रेशर अब प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर कितना हो जाएगा, देखो रो जी एच, पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर का जो डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, रो जी एच, ये प्रेशर का डिफरेंस आ गया। क्लियर, सेकंड स्पेशल केस की बात करें, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, यह है बेटा लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी कितना है रो। अब हम दो पॉइंट की बात करें, देखो एक यहां बात करते हैं ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यह एच, यहां का प्रेशर है पी वन और यहां का प्रेशर पी टू फाइंड करना है, तो पी टू कितना होगा, पी टू यहां का प्रेशर पी वन और प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो जी एच। आगे समझ में, इस तरह से कहीं का भी प्रेशर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो जी एच होता है। ठीक है, यहां का प्रेशर पी वन है तो यहां का प्रेशर पी वन इसमें ऐड होकर के और लिक्विड कॉलम का प्रेशर यहां रो जी एच ऐड हो जाएगा। थर्ड स्पेशल केस की बात करें,
जैसे ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है। यहां प्रेशर कितना है, पी नॉट, और यह है इसका बॉटम। बॉटम पर प्रेशर पी अगर फाइंड करना है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, बॉटम पर प्रेशर अगर फाइंड करना है और इसका जो डेप्थ है यह एच है, देख रहे हो जो पी होगा, पी ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, ये कहलाता है प्रेशर एट, प्रेशर एट बॉटम ऑफ लिक्विड। लिक्विड के बॉटम पे क्या है बेटा, प्रेशर है। तो प्रेशर डिफरेंस अगर देखें तो वो कितना आएगा, रो जी एच आएगा, तो ये प्रेशर का डिफरेंस कहलाएगा। तो बॉटम पे जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो जी एस आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर, रो जी एस बॉटम पे इतना एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। यहाँ का जो प्रेशर आ गया वो पी नॉट प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर रो जी एच आ गया, देख लो। क्लियर बेटा? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एच के वेरिएशन के कारण, डेप्थ के वर्टिकल डेप्थ के वेरिएशन के कारण जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्रेशर पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। जैसे जैसे एच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, वैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ग्राफ भी तो हम लोग प्रेशर और एच में प्लॉट कर सकते हैं, देखो रो जी एच प्लस पी नॉट, पी इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच प्लस पी नॉट। ये हो गया बेटा वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं प्रेशर में, प्रेशर में और एच में। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो ग्राफ जो आएगा वो देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग अबव ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग अबव ओरिजिन इसका ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ देखो बन रहा है, ये इसका थीटा हो जाएगा और ये इसका देखो इंटरसेप्ट हो जाएगा। इंटरसेप्ट c किसके बराबर है, पी नॉट, पी नॉट इज इंटरसेप्ट, मतलब जब एच जीरो होगा तो वो हो जाएगा उसका टॉप पोजीशन। तो टॉप पोजीशन पे प्रेशर जीरो नहीं होता, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, ये होगा 1 atm, व्हाट 1 atm प्रेशर के बराबर ये प्रेशर होगा। और अगर इस ग्राफ का बेटा स्लोप देखना हो तो स्लोप किससे आएगा, टेन थीटा से, और टेन थीटा को बेटा ग्रेडियंट कहते हैं, और ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर देख लो, रो इंटू जी, उस लिक्विड की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, उस लिक्विड की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये क्या होगा इस ग्राफ का स्लोप हो गया। तो ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए, ये आ गया बेटा प्रेशर में जो वेरिएशन हो रहा है एच के साथ उसका ग्राफ है। तुम देख रहे हो एच जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब एच जीरो है, जब लिक्विड का सरफेस की बात करें तो वहां प्रेशर जीरो नहीं है, वहां कौन सा प्रेशर है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है। अब देखा जाए बेटा वेरिएशन, वेरिएशन इन प्रेशर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, वेरिएशन इन प्रेशर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन फॉर स्टैटिक लिक्विड बेटा। स्टैटिक लिक्विड में हॉरिजॉन्टली प्रेशर में वेरिएशन क्या होगा,
तो तुम देखोगे बेटा कि हॉरिजॉन्टल प्रेशर में वेरिएशन नहीं होता है अगर स्टैटिक लिक्विड है। एक ही लाइन में अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेशर देखें तो प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और देखते हैं ये कंटेनर है बेटा, लिक्विड है, ठीक, ये इसका बेटा बॉटम है लिक्विड, डेंसिटी रो, कंटेनर। अब इसमें हम लोग देख लो हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक यहां ए पॉइंट और यहां बी पॉइंट। ए पॉइंट का प्रेशर है बेटा पी वन, बी पॉइंट का प्रेशर है पी टू, है ना। तो स्टैटिक लिक्विड है, ये कैसा लिक्विड है, स्टैटिक है, ये मोशन नहीं कर रहा है, नॉट इन मोशन, दैट इज स्टैटिक लिक्विड। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रेशर पी वन और पी टू दोनों बराबर होंगे, पी वन और पी टू दोनों बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक का, ए से बी तक का अगर डिस्टेंस एल हो तो हम ए से बी तक का एक यहां पे एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर हम बना लें, इस तरह से एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर का एजम्पशन कर लें यहां पर, इस तरह से हॉरिजॉन्टल हाइपोथेटिकल सिलेंडर, जो एरिया यहां का है वही एरिया यहां का है। और इस कॉन्सेप्ट को बाहर अगर निकाल लें बेटा, ये जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर हमने बनाया है इसको अगर बाहर निकाल लें तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ए है। चलो ये ए पॉइंट है तो ये बी पॉइंट है, ये एरिया है, ये ए और बी पॉइंट है, ये लेंथ इसका क्या है, एल है, ठीक। तो अब होगा क्या कि इधर से जो प्रेशर के कारण जो फोर्स इधर से लगेगा ये होगा एफ वन, एफ वन इज इक्वल टू प्रेशर हमने यहाँ का पी वन माना, ये हो गया पी वन इंटू ए। इधर से जो फोर्स लगेगा एफ टू ये हो जाएगा पी टू इंटू ए, और ये है किस में, रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो सारे फोर्स को बैलेंस कर दें तो कह देंगे एफ वन माइनस एफ टू, इसका मास अगर एम हो तो इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो बराबर जीरो। यहां से देख लो बेटा एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, यानी एफ वन इक्वल टू कितना आ गया, एफ टू आ गया। तो F1 का वैल्यू यहां रख दो P1 into A, देखो P1 into A is equal to F2 का वैल्यू P2 into A, A से A कट गया, तो यहां से देखा जाए तो P1 किसके बराबर आ गया बेटा, P2 के बराबर आ गया, देख रहे हो P1 किसके बराबर आ गया, P2 के बराबर आ गया। यानी स्टैटिक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेशर क्या बना रहता है, कॉन्स्टेंट बना रहता है। अगर स्टैटिक लिक्विड है तो वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन होगा, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में वेरिएशन नहीं होगा। हेंस इन दिस वे वी कैन से दैट प्रेशर इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन स्टैटिक लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, बट प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन इन डेप्थ में अगर जाएं, इन डेप्थ ऑफ स्टैटिक लिक्विड क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है प्रेशर, क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है डेप्थ में। लेकिन स्टैटिक लिक्विड में अगर हॉरिजॉन्टली प्रेशर देखा जाए तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है।
अब जैसे कॉन्सेप्ट देखा जाए, यहां पर हम कुछ कंटेनर बना रहे हैं, अलग अलग शेप के वेजल्स, जैसे यहां पर हमने एक कंटेनर बनाया इस तरह से सिलिंड्रिकल, ठीक है, इसमें लिक्विड है। एक दूसरा कंटेनर हमने बनाया यहां पर, क्या खास बात है, देख रहे हो सबका अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप है इनका, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है। देख रहे हो, सब में सभी कंटेनर का तुम देख रहे हो बेटा अलग अलग शेप और साइज है, सब में लिक्विड भरा है। लेकिन जिसमें भी जिस कंटेनर में तुम देखो लिक्विड जो भरा है बेटा, इसमें जो लिक्विड कॉलम का जो हाइट है, डेप्थ है, सब में सेम है, ठीक। इसमें जो लिक्विड उसकी डेंसिटी रो है, सबकी डेंसिटी क्या है, रो है। यहां प्रेशर क्या होगा, सब में पी नॉट होगा टॉप पर, ये ए है, ये बी सी और डी, तो यहां प्रेशर बॉटम पे पी ए, यहां का प्रेशर बेटा पी बी, यहां का प्रेशर पी सी, यहां का प्रेशर पी डी। तो कॉन्सेप्ट कहता है बेटा कि यहां पर देखा जाए तो सब में लिक्विड कॉलम की जो हाइट है, सब में बेटा देखो एच सेम है, सब में एच है, एच यहां भी यहां भी यहां भी, तो इसलिए जो बॉटम पे सबके लोअर एंड पे जो प्रेशर होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, देख रहे हो, ये सबके बॉटम पे इतना प्रेशर होगा सबके। इससे क्या पता चलता है, प्रेशर एट बॉटम ऑफ लिक्विड इज नॉट डिपेंड अपॉन देयर शेप एंड साइज, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे डिपेंड है, बस वर्टिकल हाइट पे डिपेंड है भाई। डेंसिटी सब में इक्वल रहेगा, जी सब में इक्वल रहेगा, बस एच अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। बोलो, हेंस we can say that देख रहे हो, hence we can say that pressure at bottom is not depend upon shape and size of container but it is only depend upon vertical height, मतलब जो pressure है bottom पर ये shape और size पर depend नहीं है, ये केवल किससे depend है बेटा, height पर depend है केवल। एच जिसमें ज्यादा होगा बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टॉप पॉइंट होता है वहां प्रेशर तो हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लियर हुआ, अब आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे बेटा ये थ्री कंटेनर हैं, तीन कंटेनर जो अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, यह ए, यह बी और यह सी। इफ सेम लिक्विड इज filled
अप टू क्या लिख दिया बेटा, सेम हाइट, देख रहे हो सेम लिक्विड, एक ही प्रकार का लिक्विड सब में भरा जा रहा है जिससे कि सब में डेंसिटी सेम हो। सेम लिक्विड इज फिल्ड अप टू सेम हाइट इन गिवेन थ्री डिफरेंट कंटेनर, देन प्रेशर, यहां का प्रेशर बेटा पी ए है, यहां का प्रेशर पी बी, यहां का प्रेशर पी सी, देन प्रेशर पी ए पी बी एंड पी सी विल बी, क्या रिलेशन होगा प्रेशर में बताना। पी ए इज लेस देन पी बी इज लेस देन पी सी, पी ए इज मोर देन PB is more than PC, PA is equal to PB is equal to PC, PA is equal to PB more than PC, बताओ। तो स्पष्ट यहां क्वेश्चन लिख रहा है कि एक तो सेम लिक्विड सब में है, सेम लिक्विड है सबका रो डेंसिटी सेम होगा और सेम हाइट तक सब में रखा गया है, सेम हाइट तक, इसका मतलब H का वैल्यू सब में सेम है, तो किस शेप और साइज का है से कोई मतलब नहीं है, सब में डेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में जितने हाइट तक लिक्विड इसमें रखा गया है, अच्छा सब में हाइट सेम रखा गया है, मतलब लिक्विड का अमाउंट सब में अलग अलग होगा, इसका मतलब लिक्विड का अमाउंट सब में अलग अलग होगा, मतलब इस तरह से रखा गया है कि सब में हाइट सेम रहे तो लिक्विड के अमाउंट सब में अलग अलग रहेगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, लेकिन हाइट सब में सेम रखा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब सब में हाइट सेम होगा तो ये किस शेप और साइज का है इससे कोई मतलब नहीं होगा, सब में प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो लिक्विड की हाइट है वो एच है, इसमें भी बेटा एच है और यहां भी एच है, ठीक। तो यहां पर पी ए इजकल टू पी बी इजकल टू पी सी इजकल टू रो जी एच, सब में क्या होगा बेटा, सेम सेम इन ईच कंटेनर, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी तुमने पढ़ा कि यहां पे देख लो कि प्रेशर जो होता है बॉटम पर वह इसके शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पर डिपेंड करेगा, हाइट पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन में कह ही रहा है कि कंटेनर अलग अलग है, बस शेप और साइज अलग अलग है, लेकिन सब में सेम हाइट तक लिक्विड, एक ही लिक्विड सब में भरा है, मतलब जो डेंसिटी यहां है वही डेंसिटी यहां है, वही डेंसिटी यहां भी है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बेटा, ये कंटेनर है, ठीक है, इस शेप का कंटेनर और इसमें लिक्विड भरा है, यह है लिक्विड, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक पॉइंट ये मान लिए ए, यहां पे एक पॉइंट ये मान लिए बी, यहां पे एक पॉइंट मान लिए सी, यहां पे चलो एक डी पॉइंट मान लो, यहां पर
ई पॉइंट मान लो, तो पूछ रहा है कहां पे प्रेशर कम होगा कहां ज्यादा होगा, प्रेशर कहां पर कम और कहां पर ज्यादा। तो ये तो बेटा क्लियर है कि यहां का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, पी नॉट, ऐसा पी नॉट प्रेशर होगा, बोलो। और यहां भी तो सबका प्रेशर सेम होगा क्योंकि सेम डेप्थ है, यहां से सेम डेप्थ है तो यहां प्रेशर सेम होगा। इसलिए बेटा अगर यहां से टॉप से देखा जाए तो जो डेप्थ इसका, देखो ना सबका डेप्थ सेम है टॉप से, इसलिए इन सभी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो पूछेगा प्रेशर यहां कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, तो प्रेशर एट ई इक्वल टू प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी इक्वल टू प्रेशर एट डी, और हर जगह कितना होगा रो जी एच। अब प्लस पी नॉट भी सब में होगा, मतलब पी नॉट भी सब में सम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन कंटेनर हैं, फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर और बेटा थर्ड कंटेनर। टोटल तीन कंटेनर हैं, ए बी सी, यहां का प्रेशर है पी ए, इसमें प्रेशर है पी बी, इसमें प्रेशर पी सी, और सेम में एक ही प्रकार का लिक्विड तीनों में भरा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी एक कराए भी हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। इसमें एक ही प्रकार का लिक्विड सब में भरा गया है, लेकिन पहले जो हमने क्वेश्चन कराया उसमें हमने कहा था कि सभी सभी कंटेनर में सेम हाइट का लिक्विड भरा गया है, सब में हाइट क्या था सेम था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि सभी कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भर दिया गया है, वॉल्यूम एक बराबर रखा है। जैसे 5 लीटर लिक्विड इसमें भी तो 5 लीटर लिक्विड इसमें भी, 5 लीटर इसमें भी। कर अब बताओ बॉटम प्रेशर क्या कम होगा कहां ज्यादा होगा। इफ सेम लिक्विड इन एक ही प्रकार का लिक्विड एंड सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन गिवन थ्री कंटेनर्स, then find relation in pressure at bottom of each container, that is PA, PB and पीसी। देख रहे हो प्रेशर में क्या चाहिए, रिलेशन, कौन सा प्रेशर कम है कौन सा ज्यादा है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, पी ए मोर देन पी बी मोर देन पी सी, पी ए लेस देन पी बी लेस देन पी सी, PA is equal to PB more than PC। अब बताओ बेटा तुम खास बात ये देख रहे हो कि अब इसमें ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि सब में कंटेनर में जो लिक्विड भरा है वो तो चलो सेम लिक्विड है, सब में डेंसिटी क्या है, जो लिक्विड इसमें है उसको भी डेंसिटी रो है, इसमें भी डेंसिटी रो है, इसमें भी डेंसिटी रो है, लेकिन एक बराबर अमाउंट सब में भर गया। तो जो एक बराबर अमाउंट बेटा सब में भरेगा, तो यहाँ देखो ये वर्टिकल इसका वॉल है, इसमें क्या है, इसे इंक्लाइंड है, नीचे एरिया कम है ऊपर एरिया ज्यादा है, इसमें नीचे एरिया ज्यादा है ऊपर एरिया क्या है कम है। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि बताओ किसमें प्रेशर कम होगा किसमें ज्यादा होगा। तो ये देखना पड़ेगा कि अब किसमें लिक्विड की हाइट कम होगी किसमें ज्यादा होगी।
बोलो। तो खास बात यह है कि यहां पर बेटा आप लोग देख रहे हो कि यहां चूंकि इनका जो वाल है वर्टिकल है, तो जैसे 5 लीटर वाटर भरा इसमें, 5 लीटर, तो ये अगर हाइट इसमें बना, चलो ये अगर हाइट इसमें बना, तो इस हाइट को हम लोग क्या कह लेंगे, H1, इस हाइट को हम लोग H1 कह लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये इसे इंक्लाइंड है, ऊपर एरिया ज्यादा है, इसलिए यहां पर बेटा लिक्विड की हाइट जो होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है यहां पर। लेकिन ये ऊपर क्या है, एरिया कम होता गया है, इसलिए इस प्रकार के जो कंटेनर होंगे उतना ही अमाउंट जब लिक्विड इसमें भरोगे तो यहां पर उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन सब में अमाउंट क्या होगा, सेम ही होगा, सब में अमाउंट क्या होगा, सेम होगा। तो देखो ये हाइट H1 हो जाएगा, ये हाइट क्या हो जाएगा बेटा H2, और ये हाइट देखो क्या हो गया H3, देख रहे हो। तो सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, लिक्विड जब इस प्रकार के कंटेनर में तुम भरोगे तो ये हाइट चलो H1 आएगा और ये H2 आएगा, H3 आएगा, इसमें हाइट सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसमें सबसे कम हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि इसमें सबसे कम क्या है, H2 है, देखो सबसे कम H2, उसके बाद से क्या है बेटा H1, देखो उसके बाद से H1 है, उसके बाद से सबसे जो ज्यादा है वो क्या है H3 है, देख रहे हो ये H3 है, जहां पर H ज्यादा वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसलिए हम लोग कहेंगे ये H2 यानी PB लेस देन PA और लेस देन PC, यानी सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें है, देखो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम प्रेशर है और ये वाला प्रेशर क्या है बेटा मिनिमम। इसलिए जो डैम बनाया जाता है, जो बांध बनाया जाता है, देखो इस शेप के बनाया जाता है जब प्रेशर उसमें कम लगे, इस शेप के कभी डैम नहीं बनाए जाते, इस शेप के डैम नहीं बनाए जाते हैं, जब भी डैम बनाए जाते हैं तो उनका नीचे एरिया कम रखा जाता है और ऐसे वाल को ऐसे बनाया जाता है जैसे वाटर का लेवल उसमें क्या हो जाए, डाउन हो जाए, अब प्रेशर कम से कम लगे बॉटम पर, ठीक है बेटा। तो इस हिसाब से इसमें देखा जाए तो PB लेस देन PA लेस देन PC, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसको चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो सी ऑप्शन है तो यहां बना दे रहे हैं बेटा सी ऑप्शन में PB इज लेस देन PA इज लेस देन PC, ये सी ऑप्शन सही हो गया। तो ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा है, कि सेम मास भर दिया है, कि सेम हाइट तक भर दिया है, उस पे देखा जाता है, और उसके शेप और साइज से मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है, हाइट से मतलब है। तो हाइट यहां से देखो समझ में आ गया, यहां पर जो प्रेशर है वो शेप और साइज पे डिपेंड हो गया, क्यों डिपेंड हो गया, क्योंकि यहां पर हाइट चेंज हो जा रहा है, क्लियर हो गया। आज जो हमने कॉन्सेप्ट बेटा बताया, इस कॉन्सेप्ट में स्टैटिक लिक्विड के कारण बॉटम पे कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट देखो आज हमने बताया स्टैटिक लिक्विड के कारण, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है, ρgh। इसलिए बॉटम पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिक्विड कॉलम का प्रेशर सम कर दिया जाता है, दैट इज बॉटम पे प्रेशर P0 प्लस क्या हो जाता है बेटा ρgh, ठीक है। तो इसमें एक लेक्चर अभी और लगेगा, उसके बाद से यह टॉपिक क्या हो जाएगा बेटा, फिनिश हो जाएगा। हमने सोचा था कि आज फिनिश हो जाएगा, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आज ये फिनिश हो जाएगा, लेकिन अभी लेक्चर नंबर ये 7 था, अब लेक्चर नंबर 8, एक और लेक्चर हम इसमें बेटा आप लोगों को पढ़ा देंगे, तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ये कॉन्सेप्ट बताना है कि किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड भर के उसको एसिलेटेड कर दिया जाए, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तब कितना प्रेशर होगा, इंटर डायरेक्शन में एसिलेटेड कर दिया जाए तो कितना प्रेशर अलग अलग पॉइंट पर होगा, कैसा उसका शेप होगा, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टाइम पे इसको बेटा फिनिश कर देंगे लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।